डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज टू वैल्यूएट 475 मल्टीप्लाई विद 475 प्लस 125 मल्टीप्लाई विद 125 एंड द सेकंड पार्ट इज 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204। ओके, तो हमें दो एक्सप्रेशन गिवन है, इनकी हमें वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो देखिए, पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास 475 मल्टीप्लाई बाई 475 प्लस 125 इंटू 125। ठीक, तो देखिए एक तरीका तो यह है कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में उसके बाद उनको ऐड करेंगे तो यहाँ से इसका हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं ये नंबर है 38 के, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो 38 के नंबर को तो ये थोड़ी लार्ज क्वांटिटी आएगी, तो इसी तरीके का हमें मल्टीप्लाई करना है टू टाइम्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जिसकी कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाएगी, तो उसको हम थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करेंगे। तो अगर मैं सपोज करें 475 को ए और 125 को अगर सपोज करें हम बी, दैट इज 125, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 475 इंटू 475 दैट इज ए स्क्वायर प्लस 125 इंटू 125 दैट इज बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक, और एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और हम इन दोनों को अगर इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए ये 2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये कि इसकी आइडेंटिटी हो गई, उस आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिट इज 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, उसको यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए और बी की। सो दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ ए, ए है 475 प्लस बी इज 125 इसका होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी दैट इज 475 माइनस 125 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ 475 प्लस 125 दैट इज 600, तो ये हो जाएगा 600 का स्क्वायर प्लस 475 माइनस 125 दैट इज 350, सो ये हो जाएगा 350 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं इसका, तो 600 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, सो दिस इज 3640 प्लस 350 इसका स्क्वायर हो जाएगा 122500। ठीक है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल गिव 241250 दैट मीन्स 241250। तो ये हो गई इस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू। इसी तरीके से दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, सो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 796 माइनस 204। ठीक, तो यहाँ पे भी वही यूज़ करते हैं कंडीशन, 796 को सपोज करेंगे ए और 204 को सपोज करेंगे बी, तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसकी आइडेंटिटी होती है दैट दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए और बी की, सो ए इज 796 प्लस बी इज 204 इंटू 796 माइनस 204। ठीक है, ऐड करेंगे, सो 796 प्लस 204 दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 796 माइनस 204 दैट इज इक्वल टू 592। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 592000। ओके, तो देखिए बिना हमने यहाँ मल्टीप्लाई को यूज़ किए हुए ये हमने इसकी जो वैल्यू है वो कंप्यूट कर ली यूजिंग दिस आइडेंटिटी दैट ए उसका माइनस बी उसका इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो देयरफॉर दिस इज द आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।